हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब भी हम टेंस करने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है एक टेंस चार्ट। आप इसमें देखकर सारे टेंस आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेकर आए हैं प्रेजेंट टेंसेस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के चार टेंसेस के बारे में और उसकी पहचान और उसमें क्या क्या यूज़ होता है, जिसे कि आप टेंसेस आराम से कर सकते हैं और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ये हम चार टेंस यहाँ पर लेंगे और इन चार टेंसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसमें हम कैसे पहचानेंगे? ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में उसमें ता है, ती है, ते है आता है तो हम पहचान लेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है ये सब होते हैं, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो जो भी वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म और साथ में वर्ब के साथ ई एस और ई एस का यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, प्लस उसमें हमने वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी उसके सिंपल टेंस में, लेकिन नेगेटिव टेंस में हम डू और डस का यूज़ करते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं। नेगेटिव टेंस में जहाँ पर नॉट लगाना है वहाँ हम डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करते हैं और प्लस हम वर्ब लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव टेंसेस। और बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव हम कैसे पहचानेंगे? वो कोई हमारा क्वेश्चन होगा, यानी कि वो क्यों, कब, कैसे से शुरू होता है, इसलिए हमारा डू और डज उसमें पहले आ जाता है। उसके बाद हम प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के पास वर्ब लगाते हैं और बाद में कोई अदर थिंग या अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रहे है, रही है। आप हिंदी में टेंस को कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर रहा है, रहे है, रही है आते, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, इस तरह से आप पहचानेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इसमें हम सब्जेक्ट सबसे पहले लेते हैं, सब्जेक्ट हमारे यही सब होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई भी सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम इस एम आर का प्रयोग करते हैं। साथ में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी, लाइक प्लेइंग, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी उसके साथ में लग जाएगा तो प्लेइंग। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के नेगेटिव टेंस की तरफ। नेगेटिव टेंस बनाने के लिए आपको पता है नेगेटिव टेंस की पहचान कैसे करेंगे? उसमें नहीं आएगा और रहा है, रही है, आ रहा है, इससे आपने पहचान लिया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। फिर साथ में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, लाइक I हमारा हो गया सब्जेक्ट, am, I के साथ am आता है हेल्पिंग वर्ब, I am not, not आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, I am not play, play के साथ में आ जाएगा ing, I am not playing। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इस पूरे सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, ये इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट और साथ में वर्ब और आईएनजी जो भी आप लगा रहे हैं वो पूरा सेंटेंस एज इट इज आता है, बस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं।
अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है इसमें चुका है, चुकी है, चुकी है आते हैं, और इससे आप पहचान पाओगे कि हिंदी के टेंस में जब भी एंड में चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ, ये कर चुके हैं, मैं आ चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हम। और हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है आ रहा है, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ करना है, यानी कि कुछ भी चीज़ हमें ऐड नहीं करनी है। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमारा यहाँ पर टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव टेंस की तरफ। नेगेटिव टेंस बनाने के लिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नॉट, यानी कि चुका हम यह नहीं कर चुके, यानी कि नहीं चुके हैं, तो आपने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगी प्लस हैज हैव के साथ नॉट, ठीक है, नॉट प्लस उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस कंप्लीट होता है। आपने इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बस हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हट के हमें सब्जेक्ट से पहले रखनी है और हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो आगे चल के हम जब एग्जांपल्स आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। इसकी पहचान हम करते हैं रहा है, रहे हैं, रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी रहा है, रहे हैं, रही है आ रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रहा है, रहे हैं, रही है आता है। लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पहचानते हैं कि जब भी कोई टेंस में रहा है, रहे है, रही है आता है और साथ में किसी टाइम की बात की जाती है, किस समय की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद जो हमारी फॉर्म होएगी वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और आईएनजी के साथ हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस होता है पर्टिकुलर टाइम, यानी कि निश्चित समय, जैसे कि 9 o'clock, 12 o'clock, संडे से, मंडे से, इस तरह से। और हम फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, और साथ में हम वो टाइम लिखेंगे। सिंस और फॉर लगाने के बाद हम टाइम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनता है सिंपल टेंस। उसके बाद अब हम आते हैं नेगेटिव टेंस की तरफ। नेगेटिव टेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ बताई गई थी पीछे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आई एन जी जो कि इसमें पहले भी लग रहा है, प्लस अदर वर्ड्स जो भी आएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सीन्स और फॉर का यूज़ करेंगे, साथ में हम टाइम बताएंगे। तो इस तरह से हमारा बनता है नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं हम बार बार यही बोल रही हूँ आपसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस हम बाद में लिखते हैं।
तो इस तरह से हम इस चार्ट को देखते हुए सारे टेंसेस आराम से कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरा चार्ट दे दूंगी, आप चाहे तो जिस तरह से मैं समझाती जा रही हूँ आप उस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और आपका चार्ट आपके सामने होगा और आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और प्रैक्टिस करते करते आपकी इतनी अच्छी आदत हो जाएगी कि आप टेंस कभी भूलेंगे नहीं और आप आराम से प्रेजेंट टेंसेस कर पाएंगे। और अब यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव टेंस में क्या होता है और इंट्रोगेटिव टेंस में क्या होता है। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आगे की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।